अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन आई एम हेयर विद अ न्यू टॉपिक एंड टुडेज टॉपिक इज डेसिमल एंड इट्स टाइप। ये मैथ सब्जेक्ट का टॉपिक है और वैसे ये बेसिक टॉपिक है और आज हम कोशिश करेंगे इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डेसिमल क्या है। तो बेसिकली डेसिमल नंबर इज़ अ नंबर दैट इज़ अ डेसिमल पॉइंट। कोई ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल आ जाए उसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर। अब यहाँ पे एक नंबर है 532.19। हियर वी गो, 532.19 ये बेसिकली डेसिमल नंबर है और इसके इसको हम ऊपर कर लेते हैं या और यहाँ पे बेसिकली डेसिमल पॉइंट है और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो नंबर लिखा हुआ है जिसको हम कह रहे हैं 532, बेसिकली इसको हम कहते हैं होल पार्ट। और डेसिमल के जो राइट साइड पे है 19 जहाँ पे लिखा हुआ है वो बेसिकली उसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। तो ये बेसिकली एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द डेसिमल नंबर। हम देखें तो हमें स्ट्रक्चर उसकी समझ आनी चाहिए। अब यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 45.6। अब हम इसको समझना है। हमने जैसे किसी भी नंबर में जो डिजिट की प्लेस वैल्यू होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हम यहाँ पे हम 5 को देखें तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, दैट्स मीन 5 वंस। 4 की देखें तो 4 की क्या है, 4 tens। अब अगर हम 6 की देखें तो 6 की बेसिकली जो प्लेस वैल्यू है वो है टेंथ। इसकी एंड में THS की आवाज़ आनी चाहिए, टेंथ, ठीक है, और बीच में डेसिमल पॉइंट है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ओवरऑल बन रहा है कि 45.6 मीन 4 tens, 5 ones जो फिगर के थ्रू समझ आ रहा है और प्लस 6 tenths मतलब 6/10, ठीक है। अगर कोई ऐसी वैल्यू हो 45.65 या 45.652 तो उसको हम कैसे देखें। चलें जी, यहाँ पे एक उसको भी हम देखते हैं, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे समझने की बात है। एक नंबर है 327, तो हमें पता है 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7 की प्लेस वैल्यू है 7 ones। 2 की क्या प्लेस वैल्यू हमें पता है, 2 tens। 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 300। तो आप यहाँ पे एक नोट करें, जब हम 7, 2, 3 की तरफ आ रहे हैं मतलब लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हैं तो 10 टाइम मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है। अगर अब हम 3 पे जो हमारी प्लेस वैल्यू 100 है, 100 को हम 10 से करें तो ऑब्वियसली वो 1000 बन जाएगी और हमें पता है कि 4th जो प्लेस वैल्यू होती है वो 1000 होती है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड की तरफ आते जाएंगे हमारा जो नंबर है वो बिगर होता जाएगा, ठीक है, वो 10 टाइम हम उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब अगर 3 से 2 की तरफ आ रहे हैं, 2 से 7 की तरफ आ रहे हैं तो फिर क्या होगा इस, तो बेसिकली इसमें 10 टाइम्स स्मॉलर होता जाता है। मतलब अगर मैं 100 को देखूं तो 100 को मैं 10 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, मेरे पास 10 आ जाएगा। और अगर मैं 10 को 10 के साथ ही और जाहिर सी बात है डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूं, मतलब 1 को भी मैं 10 के साथ डिवाइड करूं तो क्या होगा, करके देखें। 1 को मैं 10 के साथ डिवाइड कर रही हूं तो ऑब्वियसली 1 के साथ होगा, नहीं तो मैं 0 देके मैं यहाँ पे 10 करूँगी और फिर हमारा 1 टाइम आ जाएगा।
तो मेरे पास क्या आया बेसिकली 0.1। तो 0.1 बेसिकली डेसिमल स्टार्ट हो जाएगा, तो 0.1 मतलब 1/10, 1/10, ठीक है। ये अब हमें अंदाज़ा हो गया कि 327, अगर हम उससे आगे जाएं, ठीक है, अगर हम राइट साइड और आगे जाएं तो जाहिर सी बात है डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल के बाद आगे जाएं तो 1/10 स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए जी, एक हमारे पास नंबर आ गया जिसको हम कह रहे हैं 327.4। अब हमें अंदाज़ा हो गया 1/10 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब जैसे हम आते जाएंगे 10 टाइम स्मॉलर होता जाएगा। अब अगर हम 1/10 को डिवाइड करें और डिवाइड करें 10 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, से बात है 1/100 आ जाएगा। और 1/100 को और मैं डिवाइड करूं तो जाहिर सी बात है क्या आ जाएगा, 1000th आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे समझने की बात ये भी है कि अब हमारे पास जो नंबर है वो है 17.591। तो आपसे पूछा जाए, MCQs आ जाए कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप ये नहीं कहिएगा कि ये जी 900 है, हम इसको कहेंगे ये 1/100th में आ रही है, ठीक है, 1/100th में आ रही है, ये इसकी पूरी सीरीज है। और जब हम इस तरफ आ रहे हैं, ये जब एरो हमारा बन रहा है दिस वन, तो ये बेसिकली बिगर होता जा रहा है लेफ्ट साइड की तरफ। जब हम राइट साइड की तरफ आ जाएंगे तो वो स्मॉलर होता जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ मल्टीप्लाई होता जाएगा 10 टाइम, और राइट साइड की तरफ डिवीजन में होती जाएगी, मतलब हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे इसको। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ डेसिमल। 3 टाइप हैं डेसिमल की। नंबर 1 इज रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, जिसको हम कहेंगे रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये हमने पहले भी हमने जो है ये पढ़ी हुई है, जो हमने नंबर्स की टाइप में हमने जब पढ़ा था, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसको रिव्यू करें तो रियल नंबर हमने पढ़ा था, रियल नंबर में 2 टाइप आ जाएंगे आपकी, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में फिर 2 टाइप्स आ जाएंगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल। और इरेशनल नंबर्स में जो आ जाएंगे उसमें फिर जो भी आ जाएंगे वो हो जाएंगे आपके नॉन रिकरिंग हो जाएंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, जिसको हम रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने कोई एक नंबर्स लिए और उसको हम डिवाइड करें। जब हम डिवाइड कर रहे हैं जो हमारा जो आंसर आ रहा है बेसिकली, अब यहाँ पे आप देखें तो वो आ रहा है 3.125125 125 125 के बाद आगे कोई और नंबर नहीं आ रहा, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है, स्टॉप हो गया है, तो इसको हम कहेंगे फाइनाइट कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी यहाँ फोकस करें, यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं रिपीटिंग, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल इसको कहेंगे, रिपीट हो रहा है। और अगर हम नीचे देखें इसका दूसरा, एक तो हमने फाइनाइट देख लिया, अब हम आ जाए इनफाइनाइट की तरफ, तो यहाँ पे भी नंबर खुद को रिपीट कर रहा है, जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 होता जाएगा, मतलब अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया, लेकिन हमारा जो आंसर है 1 2 1 2 1 2 आता जा रहा है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका भी होता है, जो ये लिखा हुआ 3.1212 पूरा तो नहीं लिख सकते, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3.12, ठीक है, उसके ऊपर हम बार दे देंगे, जब बार आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि इनफाइनाइट है, ठीक है। सेकंड इज नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, मतलब वो खुद को रिपीट नहीं करेंगे, अगर हम फाइनाइट में भी आ रहे हैं तो वो खुद को रिपीट नहीं करें, एक फिक्स एक जगह पर अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो रहा है। और दूसरा जो है इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट में जो है 3.137654 आगे कुछ और नंबर 3 होगा, फिर 2 आ गया, फिर 1 होगा, फिर 5 आ जाएगा, इस तरीके से, तो इस, ठीक है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। इसमें कोई रिपीटेशन नहीं हो रही नंबर की, इसलिए हम इसको नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। थर्ड इज
ये बेसिकली डेसिमल फ्रैक्शन, जिसको हम फ्रैक्शन बेसिकली ये जो नंबर होता है डेसिमल फ्रैक्शन, इसमें हम फ्रैक्शन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जो डिनोमिनेटर होता है, मतलब जब हम अपॉन में लिखते हैं तो ऊपर वाला जो होता है नोमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर में जो है पावर ऑफ 10 आती है, ठीक है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे देखें 81.75, तो इसको हम जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 81.75 अपॉन 100, ठीक है। अब इसको लिखने का भी एक तरीका होता है, जैसे यहाँ पे 81.75, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको सिंपल हम इस तरीके से लिखते हैं, पॉइंट जहाँ पे इसके नीचे हम 1 देंगे, उसके बाद हम देखेंगे राइट साइड पे डेसिमल के राइट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, फिर उतना हम नीचे 0 लगा देंगे, तो हमारा वो पावर ऑफ 10 बन जाएगा, ठीक है। अब डेसिमल के बाद 75 टू डिजिट्स हैं, तो इसके बाद हम इसको ये दे देंगे 20 दे देंगे, जब 20 आ जाएंगे तो हमारे पास अब जो नंबर बन जाएगा वो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। 81.75, ठीक है। इसी तरीके से अब हम अगर नीचे आ जाएं तो नीचे जो हमारा है, अगर हम इसको अब हम बनाएं तो डेसिमल के बाद हम देखेंगे कितने डिजिट्स हैं, उसके बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 3 हम 0 दे देंगे, ये पावर ऑफ 10 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये नंबर बन जाएगा, तो इसको कहते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शन। ये प्लेसमेंट चार्ट है, अगर हम डेसिमल के लेफ्ट साइड देखें तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, millions आ जाएंगे, और राइट साइड पे देखें तो 10th, 100th, 1000th, 10,000th, 100,000th, millions। ये पूरी सीक्वेंस हमें याद रखनी है, हमें MCQs आ सकता है, कोई बड़ी वैल्यू आ सकती है जिसमें हमें 10,000th की ज़रूरत आ जाए, हम क्या करते हैं 10th, 100th और 1000th तक याद कर लेते हैं, नहीं उससे आगे भी हमें चीज़ें याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए भी इतनी ही वीडियो, इसकी एक और वीडियो डेसिमल की मैं बनाऊंगी, जिसमें हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और फ्रैक्शन को फिर परसेंटेज में। वो एक चार्ट है, वो बहुत सिंपल है, वो बहुत ईजी है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।